सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अभी आप लोगों को मैंने बताया था, हाल ही में एक सूचना मांगी गई थी बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा सभी जिले के बीएसए से। क्या सूचना मांगी गई थी, आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूलों में टीचर्स की संख्या को लेकर के यहाँ पर आप देखिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, यानी कि जो एक जिले में प्राथमिक विद्यालय है उसमें कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अध्यापकों की बात की गई है, आप देख सकते हो प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, केवल प्रधानाध्यापकों की बात की गई है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को नहीं लिया गया है। यहाँ पर आप देखिए प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, जूनियर में भी कहीं पर भी शिक्षा मित्रों को नहीं काउंट किया गया है और ना ही अनुदेशकों को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो सूचना मांगी गई थी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई थी समस्त जनपद के, तो यहाँ पर आप देखिए इसके सापेक्ष कितने जनपदों ने यहाँ पर दे दिया है अपना डाटा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बार फिर से सचिव जी ने सभी को पत्र लिखा है, सभी बीएसएस को, और उसमें क्या कहा है, बांदा, बाराबंकी, बिजनौर, चंदौली, देवरिया, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, सहारनपुर, संभल तथा बनारस को छोड़ करके, यानी कि इतने जिलों ने यहाँ पर आप देखिए ये डाटा दे दिया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इतने जिलों ने डाटा दे दिया था 7/6/2022 तक। अब जो शेष जनपद हैं वो भी जल्दी से सूचना दें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अगर इस सूचना को यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर छात्र शिक्षक अनुपात को पता किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्राथमिक में एक भर्ती की उम्मीद जरूर जग रही है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों को पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, टीचर्स की कितनी कमी है, तब तक टीचर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा सकेगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब एक बार छात्र शिक्षक अनुपात सही में पता चल जाएगा कि कितने शिक्षकों की कमी है, तभी प्राइमरी में हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ये सूचना मांगी गई और काफी हद तक यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब जिले यहाँ के बीएसए ने अपनी सूचना दे भी दी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस पत्र को पूरा पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी इसको। और यहाँ पर एक चीज और आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि आरटीई एक्ट के अनुसार यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो बच्चों की शिक्षा है अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके अंतर्गत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो प्राथमिक में जो टीचर्स होते हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हो, सहायक अध्यापक हो, आपको पता ही है, तो वो टीचर ट्रेंड होकर के ही जाते हैं विद्यालय में पढ़ाने बच्चों को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसके लिए योग्यता ली है, तब वो उस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, तब वो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसी को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। और इसीलिए केवल टीचर्स की गणना यहाँ पर करने की बात की गई है। अब यहाँ पर हमारे डीलेट के जो भाई बहन है उन्होंने भी यहाँ पर देखिए शिक्षा मित्रों को शिक्षक की गणना में शामिल ना करें, क्योंकि आपको पता ही है अभी हाल ही में एक लेटर आया था जिसमें लिखा गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो पूरा है, और उसको पूरा कैसे दिखाया गया था उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी काउंट कर लिया गया था। तो इसी को लेकर के यहाँ पर आप देखिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में यहाँ पर डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है ज्ञापन में, देखिए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर शिक्षकों के पद की गणना में शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना आरटीई 2009 तथा नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा। शिक्षक छात्र अनुपात पर ही शिक्षक भर्ती निर्भर करती है, तो शिक्षक छात्र अनुपात पर ही बिल्कुल निर्भर करती है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जितने छात्र हैं उसी के अकॉर्डिंग 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना जरूरी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों बेरोजगारों के साथ यह नाइंसाफी होगी। अगर शिक्षा मित्रों को भी गिन लिया जाएगा, अनुदेशकों को भी टीचर गिन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी ही है। ज्ञापन देने वालों में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अखंड प्रताप, विनय प्रताप, शैलेंद्र आदि रहे। प्राथमिक स्कूलों में पिछले 3 साल से सहायक अध्यापकों की कोई भर्ती नहीं आई है। जब से डीएलएड 2017 बैच पास आउट हुआ है 2017, तब से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और आपको पता है 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच सब क्लियर हो गया, अभी तक प्राथमिक में कोई वैकेंसी नहीं आई है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी मांग को रखिए। और यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अधिक से अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल में बता दूंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपने केवल बीटीसी किया है तो आप बिल्कुल पात्र नहीं है टीजीटी पीजीटी के, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में, तो मैंने यहाँ पर दूर कर दिया। मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूंगी अच्छे से कि क्यों नहीं आप लोग शामिल हो सकते हैं। और बीएड वाले तो प्राथमिक में शामिल हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता ही है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए वैलिड नहीं है, और आप लोगों को पता ही है आप लोगों ने ट्रेनिंग ही ली है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बीटीसी की ट्रेनिंग होती है, डीएलएड की ट्रेनिंग होती है, वो स्पेशली प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही होती है। तो इस वजह से आप लोग टीजीटी पीजीटी का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी। उम्मीद करती हूँ कि डाटा जिस तरीके से सारे जनपदों से लिया जा रहा है, जिस स्पीड में, आप लोगों को जल्दी ही नई शिक्षक भर्ती देखने को मिले। और ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोगों के शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। और आप सभी लोग चैनल से दोस्तों बने रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।